रखे हैं इन्हें, तो 11th में बाकी रही जाए। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। आज के सेशन में बच्चों हमने लास्ट लेक्चर्स में जैसे कि एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 समझाई थी, हमारे फर्स्ट लेक्चर्स में अंदर 30.1, सेकंड के अंदर 13.2, एंड ये थर्ड लेक्चर में हम एग्जांपल और थोड़े से एक्स्ट्रा सम्स आपके लिए लाया हूँ मैं, राइट। सारे एग्जांपल समझाऊंगा, कैलकुलेशन की जरूरत होगी तो करूंगा, अदरवाइज आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, राइट। क्योंकि ये वैसे ही ये डाउट का लेक्चर्स है, तो फिर भी ट्राई कर रहा हूँ सारे एग्जाम्पल आपको एक ही सेशन में करवा सकूँ, राइट। चलो डोंट वरी, लाइट आ गई है। नाउ एग्जाम्पल नंबर वन, द कॉस्ट ऑफ 5 meters ऑफ द पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ is 210. Tabulate the cost of 2, 4, 6, 2, 4, 10, 13 meter. 5 meter का कॉस्ट कितना है बच्चों? 210 rupees. 5 meter का कॉस्ट कितना है? 210. 5 का कॉस्ट है 210. To tabulate the cost of 2, 4, 10. तो पहले हम 2 का ले लेते हैं, तो 2 का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे x। अब कॉमन सेंस है कि मीटर कम, लेंथ कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगा, है ना, बोलो। यस सर। तो कौन सा प्रपोजल है ये? डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रपोजल। और डायरेक्ट प्रपोजल में हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को 2 into 210 सॉल्व करोगे, 210 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड 5, कटिंग करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 2, 210 है ना, 2, 4 जा 0, 84, 2, 5, 4 जा 21, 0, 42। क्लियर है बच्चों? यस सर। 42 इनटू 2 84 आंसर हमारा, ऐसे हो गया 4, 10 और 30। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाइट, हाइट कितनी है? 14 मीटर। उसका जो शैडो है वो कितना हो रहा है? 10 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट द शैडो। अब शैडो 15 मीटर दिया हुआ है, तो हाइट फाइंड करने को पूछा हुआ है। अब कॉमन सेंस से ज्यादा हाइट तो ज्यादा शैडो, ज्यादा हाइट ज्यादा शैडो, बड़ा होगा तो उसका शैडो भी बड़ा होता है। तो दैट मींस ये कौन सा प्रपोजल है? ये डायरेक्ट प्रपोजल। डायरेक्ट प्रपोजल में क्या करते थे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 14 इनटू 15 करेंगे और x इनटू 10 करेंगे बच्चों। तो x को मेन बना लो, 14 इनटू 15 डिवाइडेड बाय 10। 5 2 जा 5 3 जा 2 7 जा 2 7 3 जा 21। कोई डाउट? नो सर। थर्ड नंबर का, इफ द वेट ऑफ द 12 शीट्स ऑफ द थिक पेपर इज 14 ग्राम, ओके, वेट और सीट, सीट 12 है तो टोटल वेट कितना हुआ? 40 ग्राम हुआ। तो हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, अब किलोग्राम यानी कि वेट दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ है, वेट। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 2 2 जा 4 और 1 5 5 by 2 होगा, है ना, बोलो। यस सर। तो ये 2.5 किलोग्राम वेट मिला आपको, 2.5 किलोग्राम। नाउ अब हमें यहाँ एक्स फाइंड करना है, सीट, नंबर ऑफ सीट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? नंबर ऑफ सीट। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, डायरेक्ट प्रपोजल कॉमन सेंस है कि भाई सीट ज्यादा होगी तो ही वेट ज्यादा होगा ना। अब ये 2.5 किलोग्राम है, देखो यहाँ आपको पता हो तो ये ग्राम में था 40। yes, तो हमें इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ ना, बोलो। यस यस सर। 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटने से एक जीरो गया, तो बाकी के दो जीरो है वो लग जाएंगे, तो आंसर आएगा 2500 ग्राम। तो मैं यहाँ 2.5 ग्राम की जगह 2500 ग्राम लिख सकता हूँ। नाउ अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है, ज्यादा से ज्यादा वेट, दैट मींस 12 into 2500 is equals to x into 14. Now take the mean x 12 into 2500 divided by 40. Cutting करो, आंसर मिल जाएगा। कर लोगे बच्चों? Yes, sir. थोड़ा फास्ट जाऊंगा, एग्जाम्पल है इसलिए।
ट्रेन इज, इसमें कटिंग करो, चलो क्या आंसर आता है बताओ मुझे फटाफट से। चलो सर मेरा आया हुआ। तो 756 आ रहा है ना आपका आंसर? सर सिर्फ 750 50 यस सर। तो 750 सीट्स होगी टोटल, बोलो समझ में आ रहा है ना? यस सर। नाउ फोर्थ नंबर, ट्रेन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी दी है? 75, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर्स में है, ध्यान रखना स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर्स। हाउ फार विल इट ट्रैवल इन अ 20 मीटर। अब उसमें कॉन्सेप्ट समझो, दो मेथड से हो सकती है ये क्वेश्चन। एक तो साइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता किसी को? यस सर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड आपको 75 किलोमीटर आवर्स दी है, डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड करना, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। अब लुक यहां टाइम आपको 20 मिनट दी है, दैट मींस यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू आवर्स, राइट और रॉन्ग? यस सर। 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 20 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 1/3 आवर्स। कितना आएगा टाइम, कितना है 1/3 आवर्स। 3 आवर्स। अब डी को फाइंड करने के लिए 75 से 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अब कटिंग करोगे तो 325 + 75 होता है, तो डी की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 25 किलोमीटर। कोई डाउट? नो सर। श्योर? यस सर। ओके, अब देखो यहाँ आंसर किलोमीटर में आया, कैसे पता चला? जस्ट बिकॉज हमने टाइम आवर्स में लिया है और ये 75 जो स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर्स में ली है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसीलिए आंसर ऐसा आया। अब यही चीज दूसरी मेथड से कर सकते, यही सम हम दूसरी मेथड से कर सकते कि स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि किलोमीटर और आवर्स कि 75 किलोमीटर में एक घंटा लगा, हाँ कि ना? यस सर। व्हेन आई से दैट माय स्पीड ऑफ माय कार इज 25 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस आई जस्ट कवर्ड द 25 किलोमीटर इन 1 आवर्स। ओके, तो ये डिसाइड, ये स्पीड क्या दिखाता है हमें कि भाई इतने घंटे में, एक घंटे के अंदर इतने किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ मुझे फाइंड करना है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट। 20 मिनट यानी कि 20/6, ये अभी जो हमने ऑलरेडी ओवर्स में कन्वर्ट किया ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 1/3 आया, तो किलोमीटर में एक्स कर दो। अब क्या करोगे? अब देखो स्पीड बढ़ाने से टाइम बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा सर। देखो पहले क्या था कि एक घंटा लग रहा है तो 75 है, तो कम टाइम है तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ कि ना? यस सर। टाइम है तो कम डिस्टेंस, तो डायरेक्ट वेरिएशन से कम कम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 75 को 1/3 और 1 को x, तो भी यही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक साइंस की मेथड से सॉल्व किया, एक ये डायरेक्ट प्रोपोजन की मेथड से सॉल्व किया। तो क्या ये आप कर सकते हो खुद जैसे सेकंड नंबर का कि भाई फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड? फिर भी मैं करा देता हूँ, डोंट वरी। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। तो फिर से ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, किलोमीटर स्पीड, किलोमीटर और एक आवर। तो स्पीड कितनी दी थी? 75 किलोमीटर एक घंटे में, 75 किलोमीटर एक घंटे में। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ? 250 किलोमीटर, हाँ कि ना? तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना? स्पीड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि 75 किलोमीटर कवर करने में मुझे एक घंटा लग रहा था, अब मेरे पास 250 कवर करना, तो कॉमन चेंज से ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा टाइम एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ प्रपोजन में है, यानी कि डायरेक्ट प्रपोजन, हाँ ना बोलो? ज्यादा डिस्टेंस है, ज्यादा किलोमीटर, तो ज्यादा टाइम लगेगा। दोनों एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं तो कौन सा वेरिएशन होता है? सॉरी प्रोपोर्शन होता है डायरेक्ट, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 75 को x के साथ, 250 को 1 के साथ। x को मेन बना लो, 250 डिवाइडेड बाय 75। अब इसमें मैं आप कट कर सकते हो, 25 3 जा 25 10 जा, तो आंसर आएगा 10/3। x जो है वो आवर्स में होगा, तो 10/3 आवर्स लिख सकते हो, और मिनट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे बच्चों?
60 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है ना, 1 आवर यानी कि 60। Yes, sir. तो 3 को 60 से, 60 को 3 से डिवाइड करो तो 20 आता है, तो 10 × 20 यानी कि आंसर आएगा 200 मिनट। कोई डाउट्स? नो सर। श्योर समझ में आया, देख लो आराम से अच्छे से। और है और ये, और यानी कि पता चला या तो ये या तो ये, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना है। क्वेश्चन अच्छे से दिखा देता हूँ। ओके, फर्स्ट ये था और सेकंड ये। फर्स्ट में टाइम दिया था यानी कि ये 1/3 आवर्स टाइम दिया था, 20 मिनट यानी कि 1/3 आवर्स, और डिस्टेंस फाइंड करना था। और सेकंड में डिस्टेंस दिया हुआ है 250 किलोमीटर और टाइम फाइंड करना है। समझ में आ रहा है ना सर? हाँ बोलो सर। टेक्स्ट बुक में इस सम का, सेकंड नंबर के सम का आंसर 3 आवर 20 मिनट है, तो वही हुआ भाई। ओके, 200 मिनट यानी कि क्या होगा, 3 आवर्स और 20 मिनट, 3 घंटे में कितनी मिनट लगती है, 60 60 60, 3 टाइम और प्लस ये 20 आवर्स, 6 × 3 = 18, सॉरी यस सर, 180 + 20 = क्या है यार, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। एक ही चीज है, आप ये लिखो 200 मिनट लिखो, लाइक एग्जांपल फॉर मैं ऐसे बोलूं 30 मिनट और मैं बोलूं आधा घंटा, तो दोनों एक ही चीज है ना। ओके, जस्ट उसका यूनिट अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वैल्यू एक ही चीज है। ओके, समटाइम्स जरूरी नहीं कि ना, हमें थोड़ा पता है कि पीछे वाला ने आवर्स में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, टीचर एक भी मार्क्स इसमें नहीं कट कर सकते आपके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो आगे बढ़ू मैं। यस यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्केल ऑफ मैप इज गिवन एज 1300, ओहो, 2 cities आर 4 centimeter अपार्ट इन द पिक्चर। दो, इस स्केल का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में स्केल और ये एक्चुअल होता है, स्केल का जो मैप होता है वैसा होता है, यदि 1 centimeter हो स्केल मैप के अंदर तो एक्चुअल में इतना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 7, एक्चुअल में 30 जो भी हो रहा है लेख होगा शायद 3 करोड़ हो रहा है ना, 3 करोड़, एक्चुअल में 3 करोड़। यस सर। तो स्केल के अंदर आपको मैप के अंदर खाली एक ही बताना है, तो 2 cities are 4 centimeter अपार्ट, एक्चुअल में मैप के अंदर ये कितने दूर है, 4 centimeter दूर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, डायरेक्ट प्रपोजन है वैसे ही पता चल जाएगा। यस सर। ज्यादा डिस्टेंस होगा तो मैप में भी उसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा ही दिखाना पड़ेगा ना, तो ये 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × x = 4 × 3 crores, x = 12 crore आंसर। कोई डाउट? नो सर। इजी है तो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, चाहो तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे ना, 1000, 1 2 3 4 किलोमीटर ऐसा कुछ, 1200, 1200 नहीं होगा, 12,000, 1,20,000 जैसा समथिंग अराउंड होगी वैल्यू। कोई डाउट बच्चों? 3 जीरो डालो सेंटीमीटर और मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट, बाकी सारे लिख दो, 2 और 2 4 0 लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 pipes आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes, 6 pipe लग रही है, पाइप कितनी लग रही है, 6, तो उसके लिए टाइम कितना लगता है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 hour 20 minutes को अब हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स के अंदर, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट और टोटल एक दूसरी 20 यानी कि 80 मिनट लगेगी, हाँ ना बोलो। यस सर। अब हम हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक ओनली 5, यदि खाली 5 ही पाइप, ज्यादा पाइप तो फटाफट से क्या हो जाता था, 6 pipe और एक टैंक है समझ लो, 1 2 3 4 5 6 pipe है, तो फटाफट भर जाएगा कि नहीं, अब एक पाइप कम कर दूंगा तो टाइम क्या लगेगा बच्चों, ज्यादा, यानी कि ये कौन सा वेरिएशन है, देखो प्रपोजन कौन सा, इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स वेरिएशन के अंदर, इनवर्स प्रपोजन के अंदर हम क्या करते थे, सामने सामने मल्टीप्लाई, सामने मल्टीप्लाई, तो 6 को 80 मिनट के साथ और 5 को x के साथ, बोलो समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 16 होगा ना, आई थिंक 16 5 जाएगी, यस सर, 16 और 72 है ना, नहीं 96 96
96 मिनट लगेगी। अब पीछे आंसर दिया होगा आपको 96 है ना, तो 60 + 36 लिख सकते हैं ना। यस सर, 1 hour 36 minutes और 36 मिनट, तो पीछे शायद ये भी आंसर दिया हो सकता है आपका। थोड़ा फास्ट जाऊंगा, फोकस यहाँ पूरा रखना, जितना ज्यादा ध्यान रखोगे उतना फायदा है आपको। जो होमवर्क देने वाला हूँ वो फटाफट हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है सेवंथ नंबर में बच्चों? नो सर। ओके ना, पक्का ना? नेक्स्ट ले लेते, 8 नंबर का। देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर 100 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स थे? 100 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब 100 होते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 20 दिन चले जाते हैं। 100 स्टूडेंट है, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लिस्ट। अब खाना तो खाना तो इतना ही है, अब 100 स्टूडेंट खाएंगे या 200 खाएंगे तो डिपेंड कर रहा है कितना दिन चलेगा। ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो कम दिन चलेंगे, और कम स्टूडेंट हो गए तो खाना ज्यादा दिन चलेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो हाउ लॉन्ग विल 25 मोर स्टूडेंट, अब 100 तो थे, अब और 25 ज्वाइंट हुए तो न्यू कितने हो जाएंगे? 100 + 25 120। तो कितने दिन लगेंगे, क्या फाइंड करना है हमें? तो जब स्टूडेंट बढ़े तो क्या लग रहा है, खाना कितने दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा, उससे कम लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। यानी कि ये कौन सा वेरिएशन है? इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन भी बोल सकते, इनडायरेक्ट इनवर्स कुछ भी बोलो। एक मिनट हो ना, तो मल्टीप्लाई करो सामने। एक्स को मेन बना लो, ट्वेंटी फाइव फोर जा और 25 5 जा, होता है ना? 5 4 जा 20 फाइव फोर जा 20 तो 4 4 16 बचा। कोई डाउट? तो कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे खाना खत्म होने, 16 दिन चाहिए खाना खत्म। क्लियर ना? चलो Now, if 15 workers can build a wall, कितने worker है? 15. 15 worker. कितना time लगता है? 48 hours. How many worker will be needed to do work in 30 hours? अब 40 hour की जगह कम time में करना है, तो common चीज है काम फटाफट काम करना है, तो worker क्या लगेंगे? कम time में काम करने के लिए worker कितने लगेंगे? ज्यादा लगेंगे ना, काम तो उतना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? इनवर्स प्रपोजल क्या हुआ? हाउ मेनी वर्कर्स, वर्कर के नीचे सर बराबर है, हाउ मेनी वर्कर्स और 30 आवर, आवर टाइम के नीचे, ऐसा होता यहाँ ऐसा लिख लो तो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आवर्स के नीचे आवर्स। ओके सर। ओके, इनवर्स प्रपोजल है तो सामने मल्टीप्लाई, एक्स को मेन बना लेते, 15 2 जा और 40 डिवाइड बाय 2 करो तो 24 आवर्स। 24 वर्कर्स सर, वर्कर्स, सॉरी वर्कर्स। कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का ना? ओके गुड, चलो नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक लगभग 9 एग्जांपल थे सर, खत्म। तो एग्जांपल में कोई डाउट है बच्चों किसी को? सर एग्जांपल 6 कौन सा है? एग्जाम्पल 6 पता नहीं है, यहाँ मेरे बुक्स में था नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है ना, हाँ। इसलिए मैंने एग्जाम बहुत ढूंढा यार, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है लेकिन था ही नहीं मेरी बुक्स में, तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई कुछ ऐसा है। ओके, एग्जाम्पल 6 ढूंढा लेकिन था ही नहीं टेक्स्ट बुक में। चलो सर, मेरे भी ऐसा हुआ। तो कोई डाउट? मैंने भी 80 एग्जाम्पल किए। नो सर, एग्जाम्पल में कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। अब हम कर लेते थोड़े से बाहर के इक्वेशन, राइट? अब आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा, देखते कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो, इफ अ कॉस्ट ऑफ 15 पेंस, 15 पेन, फर्स्ट का आंसर हम बताते हैं, 15 पेंस है, उसका कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ? 15 पेंस, उसका कॉस्ट 600 दिया हुआ है, तो 20 पेन का क्या होगा? बोलो, पेन बड़ी तो कॉस्ट क्या लग रहा है आपको? डायरेक्ट
ज्यादा ही होगा ना, कॉमन चीज है तो ज्यादा पेन तो ज्यादा पैसे देने पड़ने वाले, तो डायरेक्ट प्रपोजन। अब डायरेक्ट प्रपोजन है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। X is equals to 20 into 600 divided by 15. Quit out. No sir. Okay. अब ये सारे क्वेश्चन जो मैं ना पूरे नहीं कराऊंगा, आपके लिए रखूंगा कैलकुलेशन और सब कुछ. Okay. अब थ्री पेन के लिए सॉल्व करना कर लोगे खुद? Yes sir. आपको हिंट दे देता हूँ, पांचों पांच सम आपको खुद सॉल्व करने अभी बाद में. जो भी सम मैंने रखे हुए हैं वो आपको खुद से सॉल्व करना. हिंट दे देता हूँ खाली. रीमा टाइप्स 540 टाइप्स 540 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर्स. हाउ मेनी वर्ड्स वुड सी टाइप्स इन 6 मिनट. वर्ड्स कितने हैं? 540. तो कितना टाइम लग रहा है? 30 मिनट. 30 मिनट. हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स लिख पाएगा वो 6 मिनट में? तो क्या कौन सा वेरिएशन होगा बच्चों? डायरेक्ट वेरिएशन. तो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई. डाउट है? नो सर. In a boarding house of 80 boys, there is a food provisions for 30 days. कितने boys है? 80 boys. और कितने दिन लग रहे हैं? 30 days. अब 20 more boys joined हो जाते हैं. यानी कि 80 तो थे already. Now the 20 more boys are joining this boarding school. The how many final boys will be? 100. How many total boys? 100. Yes. Now you have to find out the value of x. अब कॉमन चीज है कि बोर्डिंग स्कूल है, फूड जो है वो एक लिमिटेड है. अब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो कम दिन लगेंगे ना खाने में. Yes, तो क्या लग रहा है ये कौन सा वेरिएशन होगा? इनवर्स वेरिएशन. और इनवर्स वेरिएशन में हम क्या करते थे? सम मल्टीप्लाई. बोलो बच्चों, कोई डाउट है? नो सर. फोर नंबर का. जीप फिनिश अ जर्नी इन 9 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. जीप 9 आवर यानी कि एक टाइम है और एक किलोमीटर है, तो 9 आवर्स के अंदर 60 किलोमीटर लगा. ओके, जीप को एक जर्नी फिनिश करने में. हाउ मच शुड इट स्पीड बी इंक्रीज्ड सो दैट इट मे बी टेक और 6 आवर टू फिनिश द सेम जर्नी. जर्नी सेम है, इसकी स्पीड दी हो ये, सॉरी किलोमीटर लिखा है, वो उसकी स्पीड है एक्चुअली. कैसे मुझे पता चला कि ये उसकी स्पीड है? किलोमीटर पर आवर. कोई भी स्पीड होता ना ऐसा लिखते, किलोमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर्स. इसलिए तो अब नई स्पीड कितनी मैं रखू एक्स, जिससे जो टाइम लग रहा है वो मुझे खाली 6 घंटे लगे, 6 आवर्स. अब कम टाइम है तो स्पीड हमें क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी. तो ही कम टाइम में वो जर्नी कंप्लीट कर, क्योंकि जर्नी फिक्स है, इतना डिस्टेंस है. अब यदि टाइम कम है तो फटाफट जाना पड़ेगा. तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ? इनवर्स प्रोपोर्शन. और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे? सामने मल्टीप्लाई. सॉल्व करोगे आंसर? फिफ्थ नंबर. मेन टेक्स 12 आवर्स टू ट्रैवल 48 किलोमीटर्स. कितना घंटा लग रहा है? 12 घंटे टू ट्रैवल 48 किलोमीटर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 72 किलोमीटर? 72 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? अब क्या लगेगा, 48 किलोमीटर थे तो 12 घंटे लग रहे थे जर्नी को. अब 72 किलोमीटर बढ़ गए तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा. कॉमन सेंस यूज करना है. तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ? डायरेक्ट प्रपोजन. तो क्या करते थे डायरेक्ट प्रपोजन में? क्रॉस मल्टीप्लाई.
x को मेन बना लेते, उसको मल्टीप्लाई करते और डिवाइड बाय 72 सॉल्व कर लोगे? यस सर। ओके बोलो, कोई डाउट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी किसी को? नो सर। सभी ने अच्छे से ध्यान दिया था? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो रहा है, लेक्चर नहीं चैप्टर खत्म हो रहा है। क्लियर है बच्चों? कोई चैप्टर में कोई डाउट नहीं है ना? ओके नो सर। ओके ओके चलो।